ग्रीटिंग्स एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, देयर इम्प्लिकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, मतलब कि गरीब और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है और इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे पॉवर्टी को ऑलरेडी जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो टॉपिक है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग हंगर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा पेट्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारा पेट्रू ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सारी पीडीएफ्स दे दी जाएंगी, कुछ स्पेशल पीडीएफ्स, ऑडियो मैसेजेस और साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी दी जाती है, और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपने परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो जीएस पेपर 3 में जब हमने पॉवर्टी को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि आखिर पॉवर्टी होती क्या है। उसके बाद हमने देखा था कितने प्रकार की पॉवर्टी होती है, जैसे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है संपूर्ण गरीबी, और रिलेटिव पॉवर्टी होती है तुलनात्मक गरीबी। इसके बाद हमने कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हेडकाउंट रेशियो है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। इसके बाद हमने लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, इन सब कॉन्सेप्ट्स को भी हमने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने कैसे गरीबी रेखा को परिभाषित किया है, और साथ साथ इंडिया में गरीबी रेखा का क्या मायने हैं, कि समय समय पर प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी सारी कमिटीज़ को का गठन किया है, जो कि ये अनुमान लगाते हैं कि भारत की कितनी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है, और साथ साथ उन्होंने गरीबी रेखा को इंडिया में भी परिभाषित किया है, जैसे कि अलग कमेटी है, लकड़ा वाला कमेटी है, फिर हमने तेंदुलकर कमेटी को देखा था, उसके बाद हमने रंगराजन कमेटी को भी वहाँ पर डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 को वहाँ पे डिस्कस किया था, जो कि फ़िलहाल में एट करेंट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सरकार इसी सेंसस के बेसिस पर ही जितने भी लाभार्थी हैं उनको आइडेंटिफाई करती है और उन तक सारे सुविधाएं पहुँचाती हैं। तो हमने वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को भी अच्छे से डिस्कस किया था। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में किसको, मतलब तीन कैटेगरीज में बांटा गया था, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एंड एंगल ऑफ डिप्रिवेशन, जो कि 7 एंगल्स ऑफ डिप्रिवेशन हैं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था वहाँ पर कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक पार्ट है। इसके बाद हमने देखा था मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पुअर, जो कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कि गरीब लोगों को जिनका सामना करना पड़ता है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ की अपनी अलग कुछ चैलेंजेस हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उनके अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो हमने ये भी देखा था कि जो गरीब लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और जो रूरल एरियाज़ में पुअर हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके बाद हमने सरकार द्वारा जो काफ़ी सारे स्कीम्स चलाई जा रही थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि सरकार लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना हो गई, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, स्किल इंडिया स्कीम है। इसके बाद कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें कि लोगों को वेज दिया जाता है, जैसे कि मनरेगा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जिसमें कि काम के बदले में उनको फूड उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सरकार गरीब लोगों के लिए कुछ मूलभूत सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाया जा सके, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको रेस किया जा सके। तो ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, आयुष्मान भारत जिसमें कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कि हम यहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को।
इसके बाद हमने कुछ और मेजर्स देखे थे, कुछ और जो कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो अब हम सीधा आएंगे टॉपिक, कौन से टॉपिक पे? हंगर पे। हंगर मतलब कि भूख। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर हंगर होता क्या है, व्हाट इज़ हंगर। तो हंगर एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता, जिससे कि उसके शरीर में जो पोषक तत्व की जो आवश्यकताएं हैं उसकी कमी रहती है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, कैल्शियम है। तो इन सब चीज़ों की एक ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत रहती है ताकि एक ह्यूमन बॉडी स्वस्थ रहे। तो जब अगर निरंतर किसी के पास खाने की कमी रहेगी तो उसमें जाहिर सी बात है इन पोषक तत्वों की भी कमी रहेगी। तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई बच्चा हो, अगर वो निरंतर रूप से उसे भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसका उसका उसके तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि डिक्रीज्ड फूड इंटेक, वो जो फूड कंज्यूम कर रहा है वो उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। वो दो वक्त की रोटी की जगह उसे सिर्फ एक वक्त की रोटी ही उपलब्ध हो पा रही है। ईट पुअर न्यूट्रिशनल फूड, उसको जो खाना वो खा रहा है उससे उसको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी बॉडी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। या फिर नो फूड, जब किसी इंसान को या व्यक्ति को कोई फूड उपलब्ध हो ही नहीं पाता, वो भूखे पेट ही सो जाता है। तो अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि द रियल कॉज ऑफ हंगर इज़ द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे फॉर फूड। कि जो मेन कॉज क्या है हंगर का, भूख का मुख्य कारण है कि इंसान की इतनी आय ही नहीं है कि वे फूड को अफोर्ड कर सके, कि वो अपने भोजन को खरीद सके। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में आखिर क्या स्टेटस है इसका, भूख का या फिर हंगर का। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन रहती है, जो भी अल्प पोषित व्यक्ति हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी जनसंख्या है। करीब 15% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अल्प पोषित हैं। करीब 196 मिलियन लोग रोज़ाना भूखे पेट सोते हैं। 21% बच्चे ऐसे हैं 5 साल की उम्र के से कम के, जो कि अंडर वेट हैं, जिनके कि उनके वेज उनकी एज के हिसाब से उनका वेट कम है। 38% ऐसे बच्चे हैं जो अविकसित हैं, 5 साल से कम के 38% बच्चे ऐसे हैं जो कि अविकसित हैं, स्टंटेड हैं, जिनकी की हाइट उनके एज के हिसाब से बहुत कम है, जिसे हम बौनापन भी कहते हैं। और प्रति 5 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो कि कुपोषण का शिकार है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा भूख की प्रॉब्लम है। तो जब हम भूख की बात करते हैं तो हम केवल ये नहीं देखते कि लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, कितने लोग खाली पेट सो रहे हैं, कितने लोगों को खाना उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें हम पोषक तत्वों की भी, जो बॉडी की पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो इसमें हम मैल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन सब चीज़ को हंगर के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हंगर से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो हंगर से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हंगर, पॉवर्टी एंड हेल्थ की, तो इन तीनों में ही बहुत ही एक ये तीनों ही मुद्दे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कि अगर कोई कोई व्यक्ति गरीब है तो वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बीमार होगा, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बीमारियों से लड़ सके। वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है कि वह बार बार बीमार
पड़ सकता है। उसका फूड इनटेक इतना नहीं है, वो इतना ज़्यादा फूड नहीं कंज्यूम कर रहा है जिससे कि उसको सारे के सारे पोषक तत्व उसके शरीर को मिल सकें। ओवरक्राउडिंग की समस्या होती है। जो लोग गरीब हैं वहाँ पे जो जिस एरिया में रहते हैं तो उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो बड़े बड़े घर को अफोर्ड कर पाए। वो लोग छोटे छोटे घर में रहते हैं जहाँ पर कि उन लोग को ओवर क्राउडिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। छोटे से मकान में 10 लोग रह रहे हैं, उससे भी जिस एनवायरनमेंट में वो लोग रह रहे हैं उस पर बुरा असर पड़ता है। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं, वो एक अच्छे साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं स्लम्स एरिया में कितनी कितनी गंदगी होती है कि हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन लोग वहाँ पर रह रहे हैं और जिसकी वजह से उस गंदगी में रह रहे हैं जिससे कि उनकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग बीमार पड़ जाते हैं बार बार। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, कुछ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी उनको नहीं उपलब्ध हो पाती, जैसे कि उनके पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, पुअर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पर जो कि गरीब झेलता है। और इन्हीं सब के कारण पुअर, जब साफ़ पीने का पानी नहीं मिलेगा, ओपन में लोग खुले में जब शौच जाएंगे तो वहाँ से जो गंदगी हो रही है, मक्खी मच्छर जो पैदा हो रहे हैं उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। और कई बार तो हमने देखा है कि गरीबी के कारण लोगों को ऐसी जॉब करनी पड़ती है जो कि इट्सेल्फ हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे माइनिंग जॉब्स हो गई, इस तरह की कई सारी जॉब्स हैं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और ख़राब स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत से लोगों को गरीबी को झेलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ख़राब स्वास्थ्य के वजह से वो अपनी पूरी क्षमता से अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। प्रोडक्टिविटी लो होने के साथ साथ उनकी वेजेस में भी कमी आती है, जो उनका सैलरी मिलती है उसमें भी कमी आती है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गरीबी को झेलना पड़ता है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जिनका स्वास्थ्य खराब होता है उनको फिर उतना ही पैसा अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में भी लगाना होता है, तो उनके जो खर्चे होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके उनकी हेल्थ पर वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं वो गरीबी को देखते हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग अपने एसेट्स को बेच के, अपनी ज़मीन को बेच के, अपने एसेट्स को बेच कर इलाज कराते हैं, तो इससे भी वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो बेसिक नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आधुनिक तकनीक की मशीन्स नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, स्टाफ की कमी है, और जो स्टाफ है भी वो टाइम पर नहीं आता है, डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हैं। साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है, ओवरक्राउडेड हैं, जिससे कि सभी लोगों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। एक सर्वे में ये पता चला है कि प्रति 1,000 व्यक्ति पे केवल मतलब एक से भी कम बेड अवेलेबल है इंडिया में, और प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक से भी कम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में। तो इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हर किसी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना इंडिया में ये पॉसिबल काम नहीं है। साथ साथ एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एस्टिमेट है जिसमें उसने कहा है कि अगर सिर्फ लोगों को अच्छा खाना दिया जाए, अगर उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए, तो उससे 80% तक हृदय रोग को कम किया जा सकता है, पैरालिसिस को कम किया जा सकता है, और साथ साथ Type 2 डायबिटीज़ को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक तिहाई कैंसर के इंसिडेंसेस को भी कम किया जा सकता है, सिर्फ पौष्टिक आहार अगर लोगों को उपलब्ध हो जाए तो। और जैसा कि हमने बात की थी पॉवर्टी
क्या पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी होती है लैक ऑफ बेसिक नीड्स। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वो होती है पॉवर्टी या फिर गरीबी। और मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन। तो यहाँ पे हम पॉवर्टी को इनकम लेवल से जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि अमर्त्य सेन जी ने कहा था, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, कि हंगर का या भुखमरी का मेन कारण ही, मुख्य कारण है कि लोगों के पास आय नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने भोजन को खरीद सके, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो भोजन को प्राप्त कर सके। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉवर्टी और हंगर बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अगर कोई इंसान गरीब है तो उसे खाना समय पे नहीं मिल रहा है, उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, उसको उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो इससे हम जो पॉवर्टी का जो पॉवर्टी अगर इनकम इनएडिक्वेसी को दिखा रही है कि पर्याप्त आय नहीं है, तो उसका कैलोरी कंजम्पशन भी कम होगा। और इंडिया में क्या मानक है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 किलो कैलोरी डेली से कम, जो भी व्यक्ति इतना 2400 कम 2400 किलो कैलोरी से जो भी व्यक्ति कम कंज्यूम कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे होता है। और अर्बन एरियाज़ में यही है, 2100 किलो कैलोरी से जो भी व्यक्ति कम आहार ले रहा है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो अगर इंसान के पास, व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? और जो भी गरीब लोग हैं उनके पास संपत्ति तो कम होती है, और जो भी उनकी जो कम आय है, जो लिमिटेड उनके पास जो इनकम है, वो किस पे खर्च करते हैं? वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली, पानी, इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी उनके पास कम पैसा है, जो भी फूड पे लगा रहे हैं, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो अपने को पौष्टिक आहार दे सकें या अपने बच्चों को पूरा पौष्टिक आहार दे सकें, जिससे कि उनकी जो पोप जो जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उनकी बॉडीज को, वो पूरी हो सके। इसी वजह से बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ही बढ़ गई है। जैसा कि हमने अभी इंसिडेंसेस में देखा था, जब हमने इंडिया का स्टेटस देखा था, तो प्रति 5 में से एक बच्चा ऐसा है जो कि कुपोषण का शिकार है। और छोटे बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मौत जो है, ये हमें गरीबी की एक बहुत ही भयंकर तस्वीर दिखाती है। तो इस तरीके से पॉवर्टी और जो हंगर है, ये एक दूसरे से इतने इंटरमिंगल्ड हैं कि एक दूसरे को ये आपस में ही, ये एक विशियस सर्कल है कि जो गरीब होगा फिर उसके पास वो भूखमरी होगी, उसको भूख उसकी भूख को हम पूरा नहीं कर सकते, वो पर्याप्त भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, तो इसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी तो वेजेस लो होंगी, वेजेस लो होंगी तो वो अगेन फिर पॉवर्टी गरीबी को उसको झेलना पड़ेगा। तो एक ये विशियस सर्कल सा इसमें बन गया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हंगर की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग सब जानते हैं कि क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बदल रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर बाढ़ देखने को हमें मिल रही है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सूखा पड़ने लगा है। तो इन सब की वजह से जो साल भर की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। अगर बाढ़ आ जाए या फिर अगर किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, तो उससे भी जो साल भर की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट होगी, सप्लाई साइड कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड तो उतनी है, तो सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी है, तो फूड के जो प्राइस हैं वो राइज हो जाएंगे। तो लोग कम ही अपने भोजन को खरीद सकेंगे, उनकी जो परचेसिंग पावर है फूड की वो कम हो जाएगी, जिससे कि उनको पर्याप्त फूड नहीं मिल पाएगा, पर्याप्त भोजन उनको नहीं मिल पाएगा।
तो जिससे कि फार्म प्रोडक्ट्स की जो रेज हो जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है हो जाती है। इसके अलावा कुछ और ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं जो कि फसल पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे कि मॉनसून है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटली मॉनसून पर डिपेंडेंट है। अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो इंडिया में जो फसल है, जो अनाज है, उसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मानसून, अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो जो जो भी अनाज की पैदावार है वो कम हो जाती है। तो एक तरीके से इंडिया मानसून पे डिपेंड है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो अच्छे तो सबको फूड अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो वहीं पे हम फूड का प्राइस को हाई देखते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसी कंडीशंस भी मॉनसून पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो एल नीनो होता है जब पैसिफिक ओशियन की सतह का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि वहाँ का सतह का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है, मतलब कि गर्म हो जाता है। वहाँ पे गर्म जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। और ला नीना की कंडीशन वो होती है जबकि समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो एल नीनो और ला नीना का भी इंडिया, ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उस पर भी इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर प्रभाव देखा गया है, उसके मानसून पर प्रभाव देखा गया है। तो इंडिया में एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और ला नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है। तो इस वजह से भी बाढ़ की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, या फिर फेमाइन की कंडीशन, सॉरी, फ्लड्स और ड्रॉट की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो जो कि फूड का, जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन है, उस पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वो पूरा जितना उनको ज़रूरत है भोजन की, वो उतना नहीं उसको खरीद पाने में वो असक्षम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे साइक्लोन्स है, तो जिस एरिया में साइक्लोन आया है वहाँ की भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से भी फूड के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। फूड के प्राइसेस हाई होंगे तो अफोर्डेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण। तो बच्चों में कुपोषण के जो इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो माल न्यूट्रिशन कैसे होता है? माल न्यूट्रिशन का कारण है जबकि किसी व्यक्ति की बॉडी में या तो पोषक तत्वों की कमी हो, या फिर ऐसे कोई पोषक तत्व तो जो कि उनमें हो ही ना, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी, ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं। तो इन सब की ज़रूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को। तो एक बैलेंस डाइट इंसान को लेना बहुत ज़रूरी है। जब ये बैलेंस डाइट किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है तो हाँ, तो उसके अंदर उन पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे कि कई सारी बीमारियों का जन्म होता है, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोर्कर और मैरास्मस जैसी बीमारी होती है बच्चों में, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उससे जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत नहीं होती, बोन्स स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो ये सब, अगर माल न्यूट्रिशन, अगर कोई बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार है, तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, अगर उसमें न्यूट्रिशन की कोई भी कमी हुई तो। इसमें हम देख सकते हैं कि 42% जो बच्चे हैं वो अंडर वेट हैं, वो अपनी एज के हिसाब से उनका वेट बहुत कम है, ऐसे 42% बच्चे हैं। और 58% बच्चे ऐसे हैं जो कि 2 साल तक की एज में स्टंटेड है, मतलब कि अविकसित हैं 2 साल की एज तक। तो इससे हम देखते हैं कि इंडिया में बच्चों के कुपोषण के इंसिडेंसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में।
इसके बाद बात करें हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे ज़्यादा हो लोगों जो सबसे ज़्यादा हैं वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास उनके उनका जो लैंड है वो भी बहुत छोटे हैं, वो 1 हेक्टेयर से कम है। ऐसे 86% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम के लैंड्स हैं। तो इनके जो ये जो अपने फार्म पे जो इनके पास जो लैंड है उसमें जो खेती करते हैं वो केवल उनके खुद के खाने भर के लिए ही पूरे होते हैं। तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो खुद के लिए उगाए जाते हैं, जो लोकल नीड्स के लिए फूड उगाए जाते हैं उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो जो फार्मर्स हैं वो बाहर से फूड नहीं खरीदते, वो अपने खेत में अपना भोजन, अपना जो अनाज है वो खुद उगाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे सूखा पड़ गया या फिर अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उनके जो फार्म्स हैं, जो उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और जब वो बर्बाद हो जाती है तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, पर्याप्त पैसा भी नहीं है कि वो बाहर से जाके अपना भोजन अपने अनाज को खरीद सकें। तो इससे भी भूख की जो अवस्था है वो उत्पन्न हो जाती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी एक बहुत बड़ा रोल है कि जिससे कि हंगर के इंसिडेंसेस को और इंक्रीज करता है। एक रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हंगर पे। वो कैसे, जब हमने देखा था कि 2003 से लेके 2011 तक जब फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो ग्लोबल हंगर लेवल डिक्रीज हो रहा था। पहले आप इसको समझिए, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो हंगर लेवल डिक्रीज हो रहा था। और 2014 से हमने देखा जब फूड के प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, वो जब कम हो रहे हैं तो ग्लोबल हंगर जो है वैश्विक रूप में जो हंगर की जो हंगर है वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो अगर फूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी उनका लाभ मिलेगा। अगर अनाज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं फार्मर्स की पॉकेट पर भी पड़ेगा, उनके भी पास भी ज़्यादा पैसा आएगा। तो अगर उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अच्छी मशीनें लगा सकेंगे अपने फार्म्स पे, इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास होगी, वो अच्छे बीज यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो उनके पास उनका जो अनाज है जो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है उसका उन्हें और अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे कि उनकी इनकम और राइज होगी। उनकी इनकम राइज होगी तो उनकी परचेसिंग पावर भी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो जिससे कि कहीं ना कहीं हंगर की जो प्रॉब्लम है उसमें कमी आ रही है। और साथ साथ अगर फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड्स भी और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो वो लोग और ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर फूड की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गई, उनकी आवश्यकताएं पूरी हैं, तो वो और भी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बढ़ेगा। और वहाँ पे जो लेस स्किल्ड लेबर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी जो एम्प्लॉयड हैं वो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ, क्योंकि उनकी वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रूरल एरियाज हैं उनमें जो वेज लेवल है वो भी राइज होगा। तो इसमें हमने एग्रीकल्चर से देखा कि कैसे ये पॉवर्टी पे असर डाल रही है और ये कैसे हंगर पर असर डाल रही है। अब हम नेक्स्ट इश्यू के बारे में बात कर लेंगे, जो कि है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए फूड अवेलेबिलिटी से खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि ऐसी अवस्था जबकि प्रत्येक व्यक्ति की हर समय भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, जिससे कि उसे पर्याप्त मात्रा में उसकी पसंद का भोजन उपलब्ध कराया जा सके, जो कि उसके स्वस्थ जीवन शैली के लिए ज़रूरी है।
तो इसमें हम लोग तीनों, इसमें हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि फूड अवेलेबिलिटी पे, फूड एक्सेसिबिलिटी पे और फूड अफोर्डेबिलिटी पे। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है कि खाद जो भी अनाज है वो बाज़ार में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है, उपलब्धता से। फिर उसके बाद हम आते बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी की, कि उसकी उस फूड खाद्य पदार्थों पे, फूड स्टफ तक उसकी पहुंच होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। और इसके बाद अफोर्डेबिलिटी की, कि उसकी वो उसका प्राइस इतना होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भोजन को जाके बाज़ार से खरीद सके। तो हम इसमें तीन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिजिकल एक्सेस, सोशल एक्सेस और इकोनॉमिक एक्सेस। अगर हम इकोनॉमिक एक्सेस की बात करें तो ये आर्थिक रूप से पहुंच की बात करता है प्रत्येक व्यक्ति की। तो इंसान के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए, पर्याप्त पैसा होना चाहिए कि वो बाजार से जाके अपनी ज़रूरत का पर्याप्त अनाज को खरीद सके। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एक्सेस की, कि जो अनाज है, जो फूड स्टफ है, वो फिजिकली, वो भौतिक रूप से बाजार में उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कोई व्यक्ति है वो पैसा लेके बाजार गया है अनाज लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर अनाज उपलब्ध ही नहीं है। जैसा कि कई बार हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंटर पर देखा है कि वहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि आज चीनी नहीं है यहाँ पर, या आज चावल नहीं है, गेहूँ ख़त्म हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो बाजार में जो है वो फूड वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, जो अनाज है वो उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल एक्सेसिबिलिटी की। सोशल एक्सेसिबिलिटी की क्यों बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ का जो कल्चर है हर हर स्टेट्स के साथ बदलता जाता है। तो वहाँ पर उनकी फूड प्रेफरेंसेस भी जो हैं, जो उनके खाने की पसंद हैं, वो भी हर राज्य में अलग अलग हैं, वो भी हर राज्य के साथ बदलती जाती हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की पसंद का फूड जो है वो उसे उपलब्ध हो। ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे पिज़्ज़ा मांग लें या बर्गर कह दें कि ये तो उपलब्ध ही नहीं है। जो मेन अनाज है, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं, कि जो जैसे कि अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे इडली, डोसा, रसम, सांभर, इन सबको ज़्यादा खाया जाता है। कोलकाता बिहार में देखें तो वहाँ पे चावल का ज़्यादा इंटेक होता है। और यहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ पर गेहूं को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फूड प्रेफरेंसेस हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो पिछले हमने कुछ दशकों में देखा है कि जो फूड इनसिक्योरिटी है, खाद्य असुरक्षा जो है, उसमें तो कमी आई है, लेकिन जो अंडर न्यूट्रिशन, जो अल्प पोषण और जो माइक्रो जो पोषक तत्वों की जो एक इंसान में कमी होती है, उसके जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसके बाद फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के कुछ अपने ही चुनौतियां हैं, कि खाद्य सुरक्षा को सरकार जो है वो देने में असक्षम रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग फूड प्रेफरेंसेस हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उनकी पसंद का आहार उपलब्ध करा पाना इट्सेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो सारा का सारा अनाज अपनी, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसके बाद इनएडिक्वेट वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो इंडिया में हमने देखा कि वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी बहुत कम है, जिससे भी बहुत सारा जो खाना होता है वो बर्बाद चला जाता है। एक सर्वे में पता चला है कि 7% जितना, जो 7% जो एक साल में जितना कि अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 7% जो है वो वेस्ट हो जाता है केवल। क्यों? क्योंकि उसको क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउसेज नहीं है, भंडारण की कमी है और साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की कमी है। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि 30% जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो पैदा हो रहे हैं, जो उगाए जा रहे हैं, उसका भी वेस्ट हो जाता है सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की कमी से और वेयर हाउसिंग की कमी से। तो इस तरीके, तो ये सब भी कारण है खाद्य असुरक्षा के, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो खाद्य सुरक्षा देने में असक्षम है। इसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल लैंड होल्डिंग से बहुत बड़ा कारण है खाद्य असुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बात की थी कि जो छोटे फार्म्स होते हैं वहाँ पे
वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। छोटे फार्मर्स जो हैं वो बहुत अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सबको खरीद पाने में असक्षम है। जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है वो भी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर नहीं हो सकती। फार्म जैसे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ट्रैक्टर्स का, हार्वेस्टर्स का, जो मोटर पंप से इरीगेशन होता है, तो ये सब जो छोटे फार्मर्स हैं ये इतने सारे खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनके जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है वो बहुत कम होती है। तो और जैसा कि हमने बात की थी कि ज़्यादातर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ही हैं इंडिया में, करीब 86% लैंड्स ऐसे हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कारण बहुत कहीं ना कहीं एक कारण है खाद्य असुरक्षा के लिए। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर आप गाज़ियाबाद नोएडा साइड में अगर कहीं जाएं तो वहाँ पे जितनी भी ज़मीनें थी वहाँ पे बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स को खड़ा कर दिया गया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, जहाँ पे कि खेती हो सकती थी वहाँ पे बिल्डिंग्स को खड़ा कर दिया गया है, रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है। तो जो जहाँ पर अनाज को उगा सकते थे, जो लैंड्स है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम बढ़ी है। तो ये हमने कुछ हंगर से रिलेटेड और पॉवर्टी से रिलेटेड यहाँ पे मुद्दों की बात की है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की और ग्लोबल न्यूट्रिशनल रिपोर्ट 2018 की। तो अब हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल अक्टूबर में पब्लिश किया जाता है, और इसको पब्लिश कौन करता है, वेल्थ हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। 2018 के पहले इफ्री यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में भाग लेता था, लेकिन 2018 से इसने अपने आप को इस कार्य से अलग कर लिया है। तो इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में ये पाया गया है कि विश्व स्तर पर भूख और कुपोषण का स्तर 20.9 जीएस ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में है। ठीक है, तो ग्लोबली जो है वो जो भूख और कुपोषण का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में है। 2000 में ये जो स्कोर था ये 29.2 था, जो कि घटकर 2018 में कितना हो गया, 20.9 हो गया है। हम ये देख तो रहे हैं कि जो भूख और कुपोषण का जो स्तर है उसमें कमी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से विश्व में जो भूख और कुपोषण का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में है। और हालांकि जो इसमें अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो भूख और कुपोषण में 28% की कमी आई है इन 18 सालों में, या हम कह सकते हैं इन करीब 2 दशकों में 28% की कमी आई। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हैं, मतलब कि इसके 4 संकेतक हैं। पहला है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, मतलब कि अल्प पोषण की व्यापकता। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी आयु के अनुपात में उन बच्चों की कम लंबाई। या और इसके बाद थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी लंबाई के अनुपात में उनका वजन। और फोर्थ इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टैलिटी, मतलब कि बाल मृत्यु दर, ऐसे बच्चे जो कि अपना 5th बर्थडे देखने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस ये 4 इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम विश्व लेवल पे देखें, विश्व स्तर पर देखें, तो इन चारों ही इंडिकेटर्स में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन इंडिया में केवल 3 इंडिकेटर्स में ही सुधार हुआ है, जिसकी कि हम बात आगे करेंगे। तो हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को 31.1 स्कोर के साथ 103 रैंक दी गई है। 2017 में यही रैंक इंडिया की 100 थी। तो हमने देखा कि पिछले एक वर्ष में कहीं ना कहीं भारत में भुखमरी और कुपोषण की जो समस्या है वो और गंभीर हुई है, जिसके कारण कि इंडिया जो है वो 3 पायदान और नीचे आ गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसीलिए इंडिया को गंभीर स्तर वाले देश के रूप में देखा गया है, और भारत भुखमरी की समस्याओं से जूझ रहे 45 देशों की सूची में आ गया है।
तो जैसा कि हमने बात की थी कि इंडिया के तीन इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ सुधार हुआ है, तो ये सब समस्या जो है, जो जो इंडिया 103rd रैंक पे है, वो इस वो उसके बाद है जबकि इंडिया के कुछ इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले कितनी ही समस्या इंडिया में गंभीर रूप से थी। तो जो तीन इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमने बेहतरी देखी है, वो है, पहला है अल्प पोषण, मतलब कि अंडर न्यूट्रिशन। तो इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन लेवल में कहीं ना कहीं कमी आई है। वर्ष 2000 में 18.2% जो पॉपुलेशन थी वो अल्प पोषित थी, लेकिन 2018 में ये घट के केवल 14.8% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि अब अल्प पोषित है। अगर हम बात करें स्टंटिंग की, तो स्टंटिंग में भी गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2000 में स्टंटिंग की प्रॉब्लम थी 54.2%, जो कि अब घटकर 38.4% ही रह गई है। इसके बाद जो बाल मृत्यु दर है, उसमें भी कमी देखने को हमें मिलती है। वर्ष 2000 में 9.2% जो प्रॉब्लम थी वो अब घट के 4.3% ही रह गई है। तो इन तीन इंडिकेटर्स में इंडिया ने कुछ ना कुछ सुधार किया है, लेकिन अभी भी वेस्टिंग की प्रॉब्लम में इंडिया कुछ सुधार नहीं कर पाया है, और ये आज भी एक बहुत ही गंभीर समस्या इंडिया के सामने है कि जो बच्चों के जो जो वेट है, जो उनकी आयु के हिसाब से, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो ये हमने बात कर ली है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2018 की। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 की। तो ये जो रिपोर्ट है, ये हर साल दिसंबर में आती है, और इसको 2013 से ही पब्लिश किया जा रहा है, और इसमें भी उन्हीं चार इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किया जाता है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी। तो अगर हम बात करें इसकी फाइंडिंग्स की, तो हम देखते हैं कि इंडिया में की जो विश्व स्तर में सॉरी कि विश्व में 150.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो अविकसित हैं, और उनमें से भारत में 46.6 मिलियन बच्चे जो हैं वो अविकसित हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो भारत में दुनिया भर के अविकसित बच्चों में एक तिहाई बच्चे जो हैं वो भारत के ही हैं। करीब 31% जो स्टंटेड चिल्ड्रन हैं वो इंडिया में हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ ने बताया था, यूनिसेफ के अनुसार स्टंटिंग या फिर अविकसित का जो कारण है, वह या फिर जो बच्चों का जो पूर्ण विकास नहीं हो पाना, या फिर लंबाई कम रहने का कारण जो है, वो लंबे समय तक भरपूर पोषण नहीं मिल पाना है। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों को भरपूर पोषण नहीं मिलता, तो उससे उनके विकास में विकास पर उनके उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, तो जिसके कारण कि उनमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समस्या कितनी ही ज़्यादा गंभीर है भारत में। तो और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो अविकसित बच्चों का जो अनुपात है, वो सभी राज्यों में और सभी जिलों में एक समान नहीं है। भारत में टोटल 604 डिस्ट्रिक्ट में से 239 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि स्टंटिंग की प्रॉब्लम 40% से भी ज़्यादा है। कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पे कि बच्चों की संख्या केवल 12.4% है, तो कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर कि जो स्टंटिंग बच्चे हैं, जो अविकसित बच्चे हैं, उनकी समस्या 65% तक है। तो इसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की ग्रोथ पे, जैसे कि जेंडर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है, इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं।
और अगर हम स्टंटिंग को देखें, स्टंटिंग की प्रॉब्लम को देखें, तो ये हमें रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में. रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टंटिंग, जो स्टंट अविकसित बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम, अविकसित बच्चों की जनसंख्या जो है वो 26 करीब 27% की है, और अर्बन एरियाज़ में 20% बच्चे ऐसे हैं जो अविकसित हैं, जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. और इंडिया में ये हालात तब हैं जब पहले की तुलना में भारत में अविकसित बच्चों के आंकड़े में काफ़ी सुधार हुआ है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार वर्ष 2005 वर्ष 2006 में अविकसित बच्चों की तुलना में 2015 वर्ष 2016 में लगभग 10% की कमी आई है. 2005-2006 में जो 48% बच्चे अविकसित थे वो अब घटकर 38% ही रह गए हैं. तो कहीं ना कहीं सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है. तो एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उससे भी बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी. तो अगर जो महिलाएं अगर जो खुद अस्वस्थ हैं तो जो बच्चे जो है उनके वो भी बर्थ के टाइम पे उनमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी देखी गई है और उनका विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है. तो कहीं ना कहीं महिला का स्वास्थ्य, महिला का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बहुत बड़ा रोल करता है बच्चों के विकास में. और यही जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें जो जिलों में जो हमें जो गैप देखने को मिला है, कहीं पे ज़्यादा बर्डन है अविकसित बच्चों का और कहीं पे कम बर्डन है अविकसित बच्चों का. तो ये हमें गैप देखने को मिला है कि क्योंकि जहाँ की महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ हैं वहाँ पर ये जो गैप है वो कम है, जहाँ पे जो बर्डन है वो कम है. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो बच्चों के विकास पर असर डालते हैं, जैसे कि मैटरनल एजुकेशन. जो महिलाओं का जो एजुकेशन लेवल है वो भी बच्चों के विकास पर बहुत ज़्यादा असर डालता है. अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो वो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं और वो उनको पौष्टिक आहार देने में सक्षम हैं, उनको वो उपलब्ध करा सकती हैं. एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, एंटीनेटल केयर, चिल्ड्रंस डाइट, बच्चों की डाइट कैसी है, एसेप्ट, ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच जा रहे हैं या फिर वो उनके पास टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है, हाउस होल्ड साइज, ये सभी बच्चों के विकास पर असर डालती हैं. इसके बाद हम बात करेंगे वेस्टिंग की. वेस्टिंग का मतलब होता है कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर, ठीक है. तो अविकसित बच्चों के साथ ही भारत में कमज़ोर बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है. तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि 50.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि कमज़ोर हैं, जिसमें से करीब क्या 25.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि कमज़ोर हैं इंडिया में. मतलब कि करीब 50% से भी ज़्यादा कमज़ोर बच्चे इंडिया में ही है. तो हम देख सकते हैं कि कमज़ोर कम इस की वेस्टिंग पॉपुलेशन में इंडिया में की वेस्टिंग के पैरामीटर में इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा गंभीर है. और ये जो जैसा कि हमने देखा था कि स्टंटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में है, इसी तरह वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है ये भी ज़्यादा प्रेविलेंट कहाँ है, ये रूरल इंडिया में ही है. और वेस्टिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, जबकि किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल पाता या फिर वह बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उनमें वेस्टिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है. और ये बहुत बड़ा कारण है चाइल्ड मोर्टैलिटी का. जो 5 साल के वर्ष जिनकी मृत्यु 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है उसमें कहीं ना कहीं वेस्टिंग जो है, जो कमज़ोर बच्चे हैं ये बहुत बड़ा ही कारण है उसका, चाइल्ड मोर्टैलिटी जो हाई है इंडिया में. इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरवेट की, तो ओवरवेट बच्चे भी जो हैं वो इंडिया में करीब 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं. और ये जो ओवरवेट की प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादातर कहाँ देखी गई है, ये ज़्यादातर अर्बन इंडिया में देखी गई है, शहरी इलाकों में देखी गई है. इसके बाद अगर हम मैल न्यूट्रिशन की बात करें तो मैल न्यूट्रिशन भी
कभी जो जो खराब स्वास्थ्य है उसका बहुत बड़ा कारण है। लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो 88% कंट्रीज़ ऐसी हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, 88% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि किसी ना किसी प्रकार का की कुपोषण को देखा गया है। कुपोषण के 9 प्रकार हैं को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, और 88% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि किसी ना किसी कुपोषण की समस्या को देखा गया है, और ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो कि सभी 9 जो पैरामीटर्स हैं, सभी जो 9 इंडिकेटर्स हैं, जो 9 ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं, उसको कोई भी कंट्री पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा पैकेज्ड फूड्स को भी इस रिपोर्ट में कंसिडर किया गया था। तो और ये पाया गया है कि इंडिया में केवल 21% जो पैकेज्ड फूड है वो सेफ है, ठीक है, वही हेल्दी है, वही सुरक्षित और हेल्दी है। 21% केवल पैकेज फूड ऐसे हैं। और ये किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से पैकेज फूड हेल्दी हैं और कौन से नॉन हेल्दी? इसमें जो नेगेटिव साइड पे है वो है एलर्जी लेवल कितना है, सॉल्ट लेवल कितना है, शुगर कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ये नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। और किसी पैकेज फूड में वेजिटेबल्स कितने हैं, फ्रूट कितने हैं, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम कितना है, ये उसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 की। इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या हैं हंगर के, आखिर हंगर भूख की जो समस्या है वो इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं, जैसा कि हमने इन इंडिकेटर्स से पता लगाया है। तो सबसे पहला कारण है पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण है भूख का। इसके बाद हम बात करेंगे जेंडर की। सो नेक्स्ट इज जेंडर। तो इंडिया की पॉपुलेशन में 50% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की है, और उन 50% और जो फीमेल की पॉपुलेशन है उसमें भी 50% महिलाएं ऐसी हैं जो कि एनीमिया के शिकार हैं, जिनमें कि खून की कमी देखी गई है, और खून की कमी के कारण ही जो मैटरनल मॉर्टेलिटी का जो रेट है वो बहुत हाई है इंडिया में। और जो खून की कमी के कारण ही, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर खून की कमी होती है तो वो जो है जो बच्चे जो जिस बच्चे को जन्म दे रही हैं वो कमज़ोर पैदा होता है, और ऐसे 30% इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो कि बच्चे जो हैं जो अगर माताओं में खून की कमी देखी गई है तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट पैदा होते हैं, जिनका कि जन्म के समय पर उनका वेट बहुत वज़न बहुत कम होता है, लो बर्थ वेट की वजह से उनके शारीरिक विकास पर भी असर पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो थर्ड कॉज है वो है इन्वेस्टमेंट, लो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जो कि हमने एग्रीकल्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ पे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं हो सकती जिससे कि एग्रीकल्चर की उत्पादकता बहुत कम है। और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अच्छे बीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो अच्छे बीज नहीं खरीद सकते, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं कारण है जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी उत्पादकता बहुत कम है, जो कि सीधा असर फूड की अवेलेबिलिटी पे डालते हैं। इसके बाद अनस्टेबल प्राइसेस हम देखेंगे। अनस्टेबल प्राइसेस भी बहुत बड़ा कारण है भूख के लिए, क्योंकि कभी तो प्राइसेस जो हैं वो अनाज के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत कम हो जाते हैं। जब प्राइसेस कम है तब तो काफ़ी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में वो अनाज को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो उनके जो वो उतने पैसों में कम अनाज खरीद सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं भूख का कारण है। मिसमैनेजमेंट ऑफ फूड, मिसमैनेजमेंट फूड को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी देख सकते हैं। खेतों से अनाज निकलकर मंडियों तक तो पहुंच जाता है, लेकिन भंडारण और या फिर वेयर हाउसिंग की सुविधाएं अच्छी नहीं होने के कारण और समय पर सप्लाई नहीं किए जाने के कारण मंडियों में ही वह सड़ जाते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज की कमी है, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है, जिससे कि काफ़ी सारे अनाज जो हैं वो सड़ जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं।
इसके अलावा इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स जो सरकार लेके आई है वो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका भी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि भूख की जो समस्या है वो बनी हुई है। जैसे कि पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे ये माना जाता है कि काफ़ी सारा जो फूड है वो वहाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो फूड है जो वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है, तो उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है और ये एक करप्शन का कारण भी है। इस वजह से भी भूख की समस्या बनी हुई है। साथ साथ कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाने के लिए, उस वजह से भी भूख की समस्या बनी हुई है। जैसे कि अगर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज लेना है तो अब आपके पास आधार होना ज़रूरी है। आधार होने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन लेने के लिए एक राशन कार्ड होना ज़रूरी है। राशन कार्ड लेने के लिए आपके पास आधार होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके पास आधार नहीं है वो इन सेंटर से राशन नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसके कारण कि भूख की समस्या निरंतर बनी हुई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो कि 2015 से 2030 तक के लिए रखे गए हैं, और इसमें हम देखेंगे कि टोटल 17 गोल्स हैं। पहला गोल जो है वो नो पॉवर्टी का है और सेकेंड गोल जो है वो ज़ीरो हंगर का है। तो अब हम इन दोनों गोल्स को भी डिटेल में डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला गोल है नो पॉवर्टी का। तो यहाँ पे हम पहला और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है पहला है नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी तो हर जो 17 लक्ष्य हैं उसके में भी कुछ सब टारगेट्स रखे गए हैं। तो नो पॉवर्टी के अंदर जो सब टारगेट रखे गए हैं एक बार हम उस पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कम करना, 50% तक उसको पॉवर्टी लेवल को कम करना। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने कितना रखा है गरीबी रेखा का जो परिभाषित किया है वो रखा है कि $1.25 से जो भी व्यक्ति प्रतिदिन जिसका आय कम है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ऐसी अवस्था को 50% तक कम करना, ऐसी पॉपुलेशन को 50% तक कम करना जो कि $1.25 पर डे से कम कमा रहे हैं, या उनके पास इतने से कम वो पैसे हैं उनके पास प्रतिदिन के लिए, तो उनको गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। इसके साथ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो हैं इंडिया में उनको इम्प्लीमेंट करने का लक्ष्य है। इसके बाद जो हर किसी को अधिकार होना चाहिए, वहाँ की जितनी भी आर्थिक संसाधन है उस पर हर किसी का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल और सोशल डिज़ास्टर्स हैं उनके प्रभाव करने के लिए भी एक व्यवस्था को स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जो जितनी भी जिस कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको उस तरीके से यूज़ करना और ऐसी पॉलिसीज़ को लाना जिससे कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, गरीबी को ख़त्म किया जा सके। साथ साथ ऐसी प्रणालियों को बनाना जो कि जेंडर सेंसिटिव हो और साथ साथ जिससे कि और जो कि गरीबों के हक में हो, ऐसी स्कीम्स को बनाना। तो ये कुछ नो पॉवर्टी के अंदर सब टारगेट्स थे, और इंडिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से सरकार इन 5 इंडिकेटर्स पर काम कर रही है। अब हम एक बार उसको देख लेते हैं। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार वर्ष 2011-12 में 21.92% पॉपुलेशन जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। तो इसको घटाकर 10.95% करने का लक्ष्य है 2030 तक। तो ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास किसी ना किसी प्रकार का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ऐसे करंट सिचुएशन में ऐसे 28.7% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास किसी ना किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है, वो हेल्थ स्कीम के अंडर कवर्ड हैं, जिसको कि बढ़ाकर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 100% तक वो कवरेज देंगे।
अभी जितने लोग मनरेगा के अंदर डिमांड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के, उसमें केवल 84.75% को ही सरकार काम दिलाने में सक्षम है। इसको बढ़ाकर 100% तक का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। तो जो भी महिलाएं मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हैं, उसमें से केवल 36.4% महिलाओं को ही मैटरनिटी बेनिफिट्स दे पा रही है सरकार। इसको भी बढ़ाकर 100% तक कवरेज रखने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक, ठीक है। और इसके बाद प्रति 10,000 हाउसहोल्ड में से 10 हाउसहोल्ड ऐसे हैं जो कि होमलेस हैं, जिनके पास अपने खुद का घर नहीं है। तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक सबके पास अपना खुद का हाउस होगा और सबके पास खुद का अपना एक घर होगा। तो ये जो इंडिया में जो करंट सिचुएशन है और हमने क्या टारगेट्स रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, हमने एक बार उस पर चर्चा कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेके आई हैं, जैसे कि मनरेगा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। इसके अलावा कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ सोशल की ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे कि गरीबी को कम किया जा सकता है। तो भारत सरकार भी कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लेकर आई है, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत, जिसमें कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कुछ और बेसिक सर्विसेज भी हैं, जैसे अंत्योदय योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें कि लोगों को कम दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, पोषण अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है। ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिससे कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद हम अगले लक्ष्य की बात करेंगे जो है ज़ीरो हंगर। तो ज़ीरो हंगर में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षित और पौष्टिक आहार तक की पहुंच को बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है कि हर प्रकार के कुपोषण को ख़त्म किया जाएगा। साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाएगा और जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीकल्चर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको इम्प्लीमेंट करने पर जोर दिया गया है और साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च टेक्नोलॉजी पर निवेश करने की ज़रूरत है और साथ साथ जीन बैंक्स में भी निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एक संतुलित मार्केट फूड कमोडिटी के लिए को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ साथ इसकी इन्फॉर्मेशन हर किसी को समय पर दी जा सके, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। तो भारत सरकार के पास जो संसाधन है उसके हिसाब से इसके अंतर्गत भारत सरकार चार इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, जैसे कि PDS के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कितने हाउस होल्ड कवर हैं। तो अगर देखा जाए जो 5,000 से कम आय है जिन हाउस होल्ड के, उसमें से कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो PDS के अंडर कवर्ड हैं, तो इसका करंट स्टेटस है 1, जो कि लक्ष्य था 1.29 का। तो इसमें देखें तो हम ऑलरेडी इस लक्ष्य को कवर कर चुके हैं। जो बच्चे हैं 5 साल से कम के, उनमें स्टंटिंग लेवल को भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको घटाकर 21.03 करने का लक्ष्य है, जो कि अभी 38.4% है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि जैसे कि गेहूं है, चावल है और अन्य जो मोटे अनाज हैं, इनकी उत्पादकता को बढ़ाकर 5,018 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
करना है जो कि अभी दो करीब 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वूमेंस जो कि 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स तक की हैं, जो कि जिनमें कि खून की कमी है, जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं, उनको भी उनकी भी जनसंख्या को कम करके 23.57% करने का लक्ष्य है, जो कि अभी 50% प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके लिए भी भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है ताकि लोगों को अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके, उनको एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान की जा सके। तो जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान है, अंत्योदय अन्न योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, पीएम मातृ वंदना योजना है, और इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ भी हैं जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जिससे कि हंगर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसमें टोटल 8 गोल्स थे और उसमें सबसे पहला गोल जो था वो है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इसमें भी पॉवर्टी, गरीबी और भूख को मिटाने की बात कही गई है, सबसे पहला लक्ष्य यही है। तो इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 1990 से लेके 2015 तक के बीच के उसमें लक्ष्य रखा गया था। तो उसमें हम कुछ लक्ष्य की बात करें तो पहला गोल क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, और इसके अंदर भी 3 सब गोल्स हैं। तो 3 सब गोल्स में पहला टारगेट क्या है कि 1990 से लेके 2015 के बीच में, ठीक है, जो पॉपुलेशन, जो व्यक्ति जो 1.25 डॉलर से कम प्रतिदिन कम से कम की जिनकी आय है, जो जो इतने पे इससे कम में अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी जनसंख्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया है कि ऐसे पॉपुलेशन को हाफ कर दिया जाएगा जो कि 1.25 डॉलर प्रतिदिन में जी रहे हैं। इसके अलावा हर किसी को एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, जैसे कि वुमेन है, वुमेन है, और यंग पीपल जो है उन सभी को डिसेंट एम्प्लॉयमेंट कराने का भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य रखा गया था 1990 से 2015 के बीच में। इसके अलावा ऐसी, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन, जो भी व्यक्ति हंगर से पीड़ित है, उनके भी प्रपोर्शन को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि था कि अंडरवेट चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। जो भी 5 ईयर्स से कम के एज के जो बच्चे हैं उसमें अंडरवेट की समस्या को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा लोगों को जो उनके मिनिमम डाइटरी नीड्स हैं, जो उनके मिनिमम पौष्टिक जो पोषक तत्व हैं उसकी जो नीड है उसको भी पूरा करने का लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में रखा गया था। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए भारत सरकार समय समय पर बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, उन्होंने कुछ अधिनियम भी बनाए हैं, एक्ट भी बनाए हैं, और उसी में से एक एक्ट है फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये वर्ष 2013 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राइट टू फूड है उसको एक संवैधानिक समर्थन मिल सके। तो इस कानून के तहत टारगेटेड पीडीएस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज रेट पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रकार जो है वो भारत की 2/3 जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। और जो बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है, और इन जो और जो आइडेंटिफाइड हाउस होल्ड्स हैं उनको उनमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनमें प्रति व्यक्ति
5 किलोग्राम के हिसाब से चावल, गेहूं और मोटा अनाज 3 साल तक उपलब्ध कराया जाएगा। 3 साल के बाद इसकी दोबारा से समीक्षा की जाएगी। इनको जो राइस है, वीट है और जो कोर्स ग्रेन्स हैं, ये सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है और जो मोटे अनाज है वो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा जो अंत्योदय योजना चल रही है उसमें शामिल परिवारों को पहले की तरह ही 35 किलोग्राम अनाज प्रति फैमिली मिलना जारी रहेगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं आई है। इसके बाद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा डिलीवरी के 6 महीने बाद तक भोजन और 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। उनको मैटरनल बेनिफिट्स देने की भी बात कही गई है। उन्हें 6 महीने तक, उनके बच्चे के जन्म होने के 6 महीने बाद तक उन्हें 6 महीने तक उन्हें भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ साथ उन्हें 6,000 रुपये भी प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपने डाइट पर अच्छे से अच्छा ध्यान रख सकें। इसके बाद 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूल में पौष्टिक आहार मिलेगा या फिर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत के हिसाब से वह राशन घर ले जा सकेंगे। तो अगर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है माताओं को या फिर जो महिलाएं हैं उनको अगर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, अगर जो बच्चे हैं उनको भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो इस केस में उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित भी किया जाएगा। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे फूड सिक्योरिटी एक्ट के। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि भूख की समस्या को कम किया जा सके। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल लेके आई है गवर्नमेंट, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो इस बिल का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को कम करना है और लोगों तक कम दर पर अनाज को पहुँचाना है, जिससे कि उनकी कैलोरी नीड को पूरा किया जा सके। अगली स्कीम है मिड डे मील स्कीम। इसमें सरकारी स्कूल्स में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि बच्चों में न्यूट्रिशन की समस्या को कम किया जा सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो कि 2005 में लाया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है, जिससे कि इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, मतलब कि मैटरनल मोर्टैलिटी रेट को कम किया जा सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये खासतौर पर 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और ऐसी महिलाओं के लिए हैं जो स्तनपान करा रही हैं। तो आंगनवाड़ी के ज़रिए इस स्कीम को लागू किया गया है। ये स्कीम वर्ष 1975 में लाई गई थी। तो इसमें बच्चों की एजुकेशन के अलावा महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है और उन्हें साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती हैं। इसके बाद एक और स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और इसमें 8 राज्यों को इंक्लूड किया गया है। इसमें हेल्दी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग पर जोर दिया गया है और साथ साथ नवजात बच्चों एवं छोटे बच्चों के खान पान पर ध्यान दिया जाता है और साथ साथ जो 3 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके पर्सनल हाइजीन पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कुछ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं जिससे कि भूख को कम किया जा सकता है। अगर लोगों को काम रोज़गार दिया जाएगा, उनके पास पैसे आएंगे, तो वो अपने फूड को खुद ही अफोर्ड कर सकेंगे। तो जैसे कि मनरेगा स्कीम है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जिसमें कि काम के बदले उनको खाना दिया जाता है, जननी सुरक्षा योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, अंत्योदय योजना है जिसमें 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है हर फैमिली को हर महीने,
अन्नपूर्णा योजना है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है हर महीने। तो ये कुछ सरकार की स्कीम्स हैं जिससे कि अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि भूख की समस्या को कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की। जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो सिर्फ एक अभी तक एक आइडिया बना हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो कि 1960s में लाया गया था, वो कुछ ही क्षेत्र तक और कुछ ही क्रॉप्स तक सीमित है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, और गेहूं और चावल जैसे अनाजों तक ही सीमित है। तो ज़रूरी है कि इस हरित क्रांति को के दायरे को और बढ़ाया जाए। तो एक सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर भी इस क्रांति को फैलाया जा सके, और इसके साथ साथ तिलहन और दलहन को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके। इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है कि जो अनाज मंडियों तक पहुंच गया है उसको लोगों तक सही मात्रा में और सही समय पर पहुंचाया जा सके। वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना हमने देखा है कि बहुत सारे अनाज, फल, सब्जियाँ जो हैं वो सड़ जाती हैं और लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर इन्हीं का इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए, इन सभी स्कीम्स को, तब भी बहुत हद तक भूख जैसी समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए जैम ट्रिनिटी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जनधन, आधार और मोबाइल जैसी जो स्कीम है, इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इससे जो जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उन तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा हर स्कीम्स का, इसकी मदद से। इसके बाद हम बात करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन की। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन को समझने के पहले हम हिडन हंगर को समझेंगे। तो हिडन हंगर क्या होती है, हम पहले उस पर बात करेंगे। तो जब मानव शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसको हम कहते हैं हिडन हंगर। तो ऐसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जिसमें मानव शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, और जब इन खनिज पदार्थों की कमी होती है तो हम उसे कहते हैं हिडन हंगर। तो टोटल जो मानव शरीर को 22 खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन है, जिंक है, आयोडीन है, सेलेनियम है, आयरन है, और इनकी कमी के कारण जो भी अवस्था उत्पन्न होती है, हम उसको कहते हैं हिडन हंगर। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया होती है, खून की कमी से होती है, तो ये एक हिडन हंगर है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का बहुत ही अहम रोल है हिडन हंगर को मिटाने में। तो हिडन बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि खाद्य पदार्थों में मिलने वाले पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है, और जो भी फूड स्टफ्स हैं उनकी जो मिनरल क्वांटिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जा सकता है बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू। और ये कम उपजाऊ मिट्टी पर पैदावार में सुधार करने के लिए भी बहुत आवश्यक है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसमें फर्टिलाइज़र्स के साथ जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो खाद होती है, उसके साथ ही आवश्यक मिनरल्स को भी पौधों की जड़ों के अंदर ले जाया जाता है, और अंत में अनाज में इन आवश्यक खनिज पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इससे हम जो है और जब उसका सेवन करते हैं उस अनाज का, तो उनमें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से बायोफोर्टिफिकेशन जो है वो जो हिडन हंगर है उसको कम करने में मदद करती है।
इसके बाद हम देखेंगे कि मैल न्यूट्रिशन के आखिर में कॉजेस क्या हैं। तो पुअर डाइट, जो अगर लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिलती, अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो उसके कारण लोगों में कुपोषण की प्रॉब्लम को देखा गया है। रोग, कई सारे रोग हैं, बीमारियां हैं, उनकी वजह से भी मैल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि अगर मैटर्नल और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, अगर माताओं में या फिर माताओं में अगर अगर उनमें बहुत सारी अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी, अगर उनमें खून की कमी है, तो वो चीज़ बच्चों में भी आएगी, उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों में भी देखने को मिलेगा। और बच्चे, हमने देखा है कि ऐसी माताएं जो कि ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो इसमें कि खून की कमी होती है, उनके जो वो बच्चों को जन्म देती हैं वो अंडर वेट होते हैं। तो कई सारे इलनेसेस हैं, डिसीजेज़ हैं, जिसकी वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को देखा गया है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, तो 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, उनको माँ के दूध से ही सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि स्तनपान पर जोर दिया जाए। इसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी मैल न्यूट्रिशन जैसी समस्या को देखा गया है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से, जिंक की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से उनकी बोन्स जो है वो मजबूत नहीं हो पाती। तो ये सब कारण है कुछ मेल न्यूट्रिशन के। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन का आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या आखिर में मतलब है। तो मेल न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बहुत हद तक बाधा आती है। तो ऐसा माना जाता है कि कुपोषण के कारण किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में 8% तक की कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की उत्पादकता में कमी आती है। जब उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिससे कि उनकी उत्पादकता पे फ़र्क पड़ता है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा आती है। लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये भी कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कारण है। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स जो हैं वो बहुत आधुनिक तकनीक के नहीं हैं, स्टाफ जो है वो पूरा नहीं है, और जो प्रति 1,000 व्यक्ति के लिए के एक से भी कम बेड उपलब्ध हैं इंडिया में। तो ये जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलती। लैक इन एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, रोड्स अच्छी नहीं है, जिससे कि गांव से किसी बीमार व्यक्ति को शहर लेके आया जा सके, एम्बुलेंसेस की कमी है। तो ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हम बहुत कम देखते हैं गांव में, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है जो कि मैल न्यूट्रिशन को बढ़ावा देती है। मेडिसिंस की कमी है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बच्चों को, लड़कियों को आयरन की गोली, फॉलिक एसिड दिया जाता है, लेकिन इन मेडिसिंस के भी बहुत कमी है, जिससे कि सभी लोगों को जो मेडिसिंस हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाती है सरकार। तो इसके अलावा बाद हम देखेंगे कि ये तो हमने बात की कि इंडिया में क्या क्या मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और उसके क्या सॉल्यूशंस है और यहाँ पे सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी और पॉवर्टी की समस्या को हल किया जा सके। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की हमने बात की थी, जिसका गोल नंबर 1 है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 1 है कि नो पॉवर्टी, एंड गोल 2 है जीरो हंगर, जो कि हम पीछे बात कर चुके हैं। इसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चला रही है यूनाइटेड नेशन, जिसमें कि ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है जो कि अपना भोजन ना तो उगा सकते हैं और ना ही उसे वो प्राप्त करने में वो सक्षम है। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 को मनाया जाता है, तो इसमें लोगों में हंगर और फूड सिक्योरिटी के प्रति उनमें जागरूकता पैदा की जाती है। तो ये कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिससे कि भूख की जो समस्या है उसको कम किया जा सके।
तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया है इस बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत हर भारतीय को जीवन के लिए मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि भोजन का अधिकार भी शामिल है। और इसके साथ अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 भी भारत सरकार को अपने लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए बाध्य करता है। तो इसके लिए जो भारत सरकार है वो समय समय पे बहुत सारे अधिनियम लेके आई है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिससे कि राइट टू फूड को एक वैधानिक समर्थन मिलता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क मनरेगा के थ्रू। और इसके अलावा सरकार ने भोजन की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी सामाजिक योजनाएँ बनाई हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट हमें यह बताती है कि भारत में आर्थिक वृद्धि के बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो भोजन जैसी बेसिक नीड्स को पूरा करने में असमर्थ है। इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना है कि देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता की वजह से गरीबी और भुखमरी की समस्या और गंभीर हुई है। रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसने गरीबों के भोजन की आवश्यकता उससे पूरी नहीं हो पा रही है। इससे भी ये समस्या जो है गरीबी की और भुखमरी जैसी समस्या जो है वो और गंभीर हो रही है। इनकम इनइक्वालिटी से ये समस्या बढ़ रही है। और हम अगर देखें पर कैपिटा इनकम इंडेक्स में इंडिया को 126वें पायदान पे रखा गया है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है। इससे भी लोग अपने फूड को अफोर्ड कर पाने में असक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्या को मिटाने के लिए काम कर रही हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक यूएन का ही पार्ट है। और हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू इन समस्याओं को हल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी कम किया जाए, क्योंकि 1% टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से 8% फार्म प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। तो जो फार्म की जो उत्पादकता है उसमें 8% की कमी देखी गई है केवल 1% 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज से। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को कम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अगर कीमतें 10% बढ़ती हैं तो दुनिया की 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो भारत में बढ़ती आबादी और दिन प्रतिदिन सीमित होते कृषि क्षेत्र से यह समस्या और बढ़ गई है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोदामों में अनाज अक्सर सड़ जाते हैं। 1997 से लेकर 2007 तक के बीच गोदामों में इतना अनाज नष्ट हुआ है जो कि 10 साल तक 6 लाख लोगों को भरपेट खाना खिला सकता था। तो राजनीतिक इच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि भूख और भुखमरी से ग्रस्त गरीब आदमी को उसकी मुश्किलों और से गस गरीब आदमी को उसकी मुश्किलों से बाहर निकाला जा सके। तो ये हमने बात कर ली है हंगर की। इसके बाद हम इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी को देखेंगे कि आखिर पॉवर्टी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने बात की थी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है पॉवर्टी के मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत बड़ा कारण है गरीबी की समस्या को बढ़ाने का। हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन पॉवर्टी के गरीबी की वजह से हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन जैसी समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो गरीब लोग होते
रहते हैं उनके पास एजुकेशन जो शिक्षा तक उनकी पहुंच बहुत कम है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन को। साथ साथ गांव में इतने स्कूल्स और कॉलेजेस की सुविधा नहीं है और उन लोग के पास इतने इनकम इनकी आय के साधन नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेज सके, तो उनकी शिक्षा तक पहुँच बहुत ही सीमित है। उनका कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुनता, तो उनकी डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। पॉवर्टी गरीबी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, इसलिए उनको हाई पेड जॉब्स भी नहीं मिल पाती हैं। हेल्थ फैसिलिटी उनके पास अच्छी नहीं है क्योंकि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ का लाभ उठा सकें। इसके अलावा वो जॉब ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में भी उनमें कमी देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि 10 में से केवल एक व्यक्ति ही ऐसा है जिसको किसी ना किसी प्रकार की फॉर्मल जॉब ट्रेनिंग मिली है इंडिया में। और इसके अलावा पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण चाइल्ड लेबर की समस्या को भी देखा गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उनके बच्चे काम करेंगे तो उनकी फैमिली इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा। तो लोकतंत्र में गरीबी उन्मूलन केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से मुंह नहीं फेर सकती है। इसके लिए सरकार भी कई पॉपुलिस्ट स्कीम, लोक कल्याणी स्कीम्स लेकर आई है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है। तो ऐसी बहुत सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं, और जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को अडॉप्ट करती है सरकार जो कि गरीबों के हक में होती है और जिससे कि गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और भारत में समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। भारत में हम आर्थिक विकास तो देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं समावेशी विकास में बहुत ही कमी देखी गई है, क्योंकि 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब की 43% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पॉवर्टी जो गरीबी रेखा के नीचे है। शेड्यूल कास्ट में 29% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, और यही अन्य क्लास में हमने देखा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे पॉपुलेशन है वो केवल 22% है। इसके अलावा अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, जो कि 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके जो मृत्यु दर है वो भी सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स में है। वहाँ पे देखा गया है कि प्रति 1000 बच्चों में 96 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना 5th बर्थडे देखने के पहले ही मर जाते हैं। शेड्यूल कास्ट में प्रति 1000 में 88 बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल तक जीवित नहीं रह पाते हैं, और OBC में 1000 में से 73 बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की आयु से पहले ही मर जाते हैं। तो गरीब और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के लिए लोकतंत्र का केवल मतलब सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और अपने वोट डालने से ही नहीं है, बल्कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने से भी है। और क्योंकि सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए आर्थिक रूप से बढ़ रही असमानताओं को कम करने के लिए सरकार बहुत सारे उसने कदम उठाए हैं। काफ़ी सारी वो डिफरेंट स्कीम्स लेकर आई है जिससे कि गरीबी और भुखमरी जैसी प्रॉब्लम्स से निपटा जा सके, उसको कम किया जा सके, लेकिन ये तभी मुमकिन है जबकि सरकार के साथ साथ वहाँ के नागरिक भी इन समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करेंगे। जब भूख की समस्या हल हो जाएगी, जब गरीबी की समस्या हल हो जाएगी, तभी मानव पूंजी के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो ये हमने पूरी बात कर ली है
गरीबी की और भूख की। तो जितने भी इश्यूज़ थे पॉवर्टी से रिलेटेड और हंगर से रिलेटेड, हमने उन सभी की बात कर ली है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको कि आप देखकर उसको आंसर दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग की। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।